हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये एक छोटा सा बेबी बूटी का डिजाइन लेके आई हूँ। ये जो बेबी बूटी है या जूती आप बोलिए या सॉक्स बोलिए, ये जो नाप है वो 6 महीने से 12 महीने यानी कि 1 साल तक के बच्चे का नाप है। सिंगल कलर में मैंने बनाया है। यहाँ पे मैंने डोरी क्रोशिया से बनाई है और ये क्रोशिया से इसका वो बोलिए फूल बोलिए ये मैंने बनाया है। इसकी जगह पे आप मोती भी लगा सकती हैं या आप जो चाहे यहाँ पे बना सकती हैं अगर आपको क्रोशिया नहीं आता है बनाने। ऊपर से बना है ये, इजी पैटर्न है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इस जूती को बनाने के लिए आप 25 ग्राम ऊन लेंगी तो आपकी दोनों जो जूतियां हैं बच्चों की वो बन जाएंगी। तो ये बनाया है मैंने देखिए बेबी वूल से और 10 नंबर की सलाई से बनाया है मैंने, ये जो सलाई है मेरी इससे। तो चलिए सबसे पहले हम फंदे डालते हैं। फंदे मैं डालूंगी टोटल 35 यानी कि 35 फंदे। इस तरीके से 35 फंदे हम डाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से टोटल 35 फंदे डाल लेंगे। ये देखिए फंदे मैंने डाल लिए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 और 35, टोटल 35 फंदे। अब देखिए ये है हमारा रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड से हम इसका पैटर्न जो है स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम इसका ये बॉर्डर बनाएंगे, रिब बॉर्डर, एक उल्टा एक सीधा बिनते हुए। ये देखिए यहां से अब हम बॉर्डर बनाएंगे, एक उल्टा और एक सीधा इस तरीके से 35 फंदे यानी कि 35 फंदे इसका हम बॉर्डर बना लेंगे। ये मेरी पहली सलाई है। इस तरीके से टोटल एक सलाई मैंने बना लिया। अब इसी को कंटिन्यू करेंगे, जो सीधा है उसको सीधा और जो उल्टा है उसको उल्टा बिनते हुए 7 सलाइयों का बॉर्डर बनाएंगे, यानी कि ये दूसरी सलाई हमारी है, टोटल 7 सलाई। तो इस तरीके से सीधा उल्टा, देखिए जो उल्टा है उसको उल्टा बिनेंगे और जो सीधा है उसको सीधा। इस तरीके से टोटल 7 सलाइयों का बॉर्डर हम बना लेंगे। ये देखिए मैंने 7 सलाई का बॉर्डर यहाँ पे बना लिया है। ये रॉन्ग साइड मैंने कंप्लीट कर लिया है और यहां से अब ये है हमारा राइट साइड। तो यहां से हमारा ये जो जाली पड़ी है डोरी डालने के लिए वो हम डोरी बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और 2 फंदे एक साथ हम उल्टा बीनेंगे, राइट साइड से उल्टा बीनेंगे, ऊन सलाई पे ऐसे लपेट के जाली बनाएंगे और फिर से 2 का एक करेंगे, फिर सलाई पे फंदा लपेट के जाली बनाएंगे, 2 फंदे का एक फंदा, फिर एक बार और जाली और 2 का एक, सलाई पे ऐसे फंदा लपेट लेंगे और 2 का एक कर देंगे, फिर से इस तरीके से सलाई पे फंदा लपेटिए और 2 का एक, पूरी सलाई इसी तरीके से बनाएंगे, सिलाई पे फंदा लपेटते जाएंगे जिससे कि हमारी जाली पड़ जाएगी और 2 का एक करने से हमारा जो फंदा घट रहा है वो जाली डालने से हमारा फंदा कवर हो जाएगा और यहाँ पे डोरी डालने के लिए हमारी ये जाली भी बन जाएगी। तो देखिए इस तरीके से सिलाई पे हमने फंदा लपेटा और 2 फंदे का एक फंदा किया, फिर से सिलाई पे फंदा लपेटा, 2 का एक, ऐसे ही ये पूरी सिलाई इस तरीके से। और अब यहाँ पे देखिए बस सलाई पे फंदा लपेट के लास्ट के 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने एक फंदा बीना है फिर 2 का एक करके जाली बनाया है, वो जाली अब हमारी आगे आगे कवर हो रही है। तो ये लपेट के लास्ट में 2 फंदे हम ऐसे बिन लेंगे, लास्ट वाला फंदा सीधा, रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे जो हमारे 35 फंदे है। ये देखिए पहला फंदा उतार के ये हमारा रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड से सारे फंदे हम इस तरीके से उल्टे उल्टे बिन लेंगे, पूरी सिलाई रॉन्ग साइड से, हर बारी हमारा अब उल्टा उल्टा ही बनेगा। तो देखिए इस तरीके से
बॉर्डर हमने 7 सिलाई का बनाया है क्योंकि रॉन्ग साइड से हमने बिनाई स्टार्ट की है। बॉर्डर बनाया है एक उल्टा एक सीधा। आप अपने हिसाब से कोई भी बॉर्डर बना सकती हैं या आप चाहें तो इसको उल्टा उल्टा भी बिन सकती हैं। तो मैंने इस तरीके से ये बॉर्डर बनाया है, ये देखिए। तो ये रॉन्ग साइड से ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हमारा जो प्रॉपर बनेगा, देखिए ऐसे ये पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। और ये है हमारा राइट साइड, ये देखिए ये हमारी जाली बनी है जिसमें हम डोरी डालेंगे। अब यहां से ये वाली जाली बनाना स्टार्ट करेंगे। ये दोनों तरफ पड़ी है, देखिए इस तरीके से बीच में ऐसे ये जाली बनी है। तो अब इसके लिए देखिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये 14 फंदे हमने सीधे बिन लिए। अब ये वाली जाली बनेगी तो इसके लिए ऊन ऐसे सिलाई पे लपेट लीजिए और दो फंदे सीधे बिनेंगे। फिर से सिलाई पे फंदे लपेट के अब यहाँ बीच वाला जो है देखिए ये यहाँ पे ये तीन फंदे सीधे बिनेंगे, एक दो और तीन। फिर से सिलाई पे फंदे लपेटेंगे, दो सीधे बिनेंगे, एक दो। अब देखिए 14 फंदे हमने सीधे बिने, जाली बनाया, दो फंदे सीधे बिने, फिर जाली बना के तीन फंदा सीधा बनाया, फिर जाली लेके दो फंदे सीधे, फिर से जाली डालेंगे और किनारे के देखिए दो चार छ आठ दस बारह और 14। स्टार्टिंग में भी हमने 14 रखे थे और यहाँ लास्ट में भी 14 फंदे जो हैं वो सीधे इस तरीके से। सारे फंदे सीधे सीधे और रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे। ये देखिए रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन के कंप्लीट हो गए। अब सबसे पहले हमने 14 फंदे बिने थे, एक जाली हमारी पड़ चुकी है। तो अब यहां पे देखिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और अब ये जो जाली थी 15 फंदे बिनने के बाद फिर से हम देखिए यार्न ओवर करेंगे, दो सीधे बिनेंगे। और अब यहां पे देखिए ये तीन फंदे हमारे जो थे और अब ये दो जाली, टोटल 5 फंदे हमारे बीच में हो गए हैं। तो फिर से यार्न ओवर यानी कि जाली और एक दो तीन चार और ये 5 फंदे बनाने के बाद फिर से जाली बनाएंगे, दो सीधे बिनेंगे, फिर से जाली बनाएंगे और लास्ट के एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये 15। अब देखिए इसी तरीके से जो जालियां हमने यहाँ पे बनाई हैं, दो दो फंदे हैं ये हमारे, यहाँ पे ऐसे बनता ही जाएगा। किनारे किनारे पे हमारे एक एक फंदे बढ़ेंगे और बीच में हमारे दो दो फंदे बढ़ेंगे। तो हमने 3 फंदे से शुरुआत की है, फिर यहाँ पे 5 हुआ, अगली सीधी सिलाई में 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये फंदे बढ़ते जाएंगे और ये जो हमारी जाली है देखिए हम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, टोटल 9 जाली डालेंगे, फिर हमारा ये नीचे का पोर्शन बनेगा। तो इसी तरीके से करते हुए 9 जाली बना लेते हैं, फिर नीचे का पोर्शन हम बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये 9 जाली मेरी पूरी हो गई है। ये जो यहाँ डोरी डालने वाला है इसको नहीं, यहाँ से काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9।
टोटल 9 जाली। अब ये वाला जो है पोर्शन, इसको अब हम बनाएंगे। तो इसके लिए अब आप दोनों तरफ से इस तरीके से उल्टा उल्टा बिनिए, दोनों तरफ से। अब जितने भी हमारे फंदे हैं उसको हम उल्टा उल्टा बिनेंगे 10 सिलाई, टोटल 5 लाइन हमारी ये आएगी। इस तरीके से हम बिनते हुए 10 सिलाई कंप्लीट करेंगे, जिससे कि हमारी ये वाली धारी जो है 5 धारी आ जाएगी। तो 10 सिलाई पहले बना लेते हैं। ये देखिए 5 लाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके फंदे हमको बंद करने हैं, राइट साइड है ये। पूरे 10 सिलाई दोनों तरफ से बनने के बाद ये 1, 2, 3, 4, 5 लाइनिंग हमारी आ गई है। बीच में 5 फंदे रहने तक हमको इधर के फंदे बंद करने हैं। टोटल 71 फंदे हैं, 33 बंद करेंगे, बीच के 5 फंदे हम क्रोशिया से बंद करेंगे, फिर 33 इधर के बंद करेंगे। तो सबसे पहले दो दो फंदे इस तरीके से लेते हुए, देखिए इस तरह से लेते हुए हम बंद कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये उतार लिया हमने। अब ये फंदा इसी पे रहेगा। और अब देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5 सिलाई पलट लेंगे। क्रोशिया हुक लीजिए जो भी आपके पास हो। अब ये देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5 प्लस ये, इसको भी हम ले लेंगे। और ये देखिए ये जो है इसको ऐसे सारे फंदे इस तरह से इस 5 फंदे में से निकाल लेंगे और इसको भी ऐसे एक बार कर देंगे। और ये फंदा सलाई पे चढ़ा लीजिए इस तरीके से। तो ये हमारा हो जाएगा सेंटर यहाँ पे। इसमें भी देखिए ये इस तरीके से ये सेंटर है यहाँ पे। और इसके बाद बाकी के भी सारे फंदे हम बंद कर देंगे जैसे अभी तक बनाते आ रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सारे फंदे अब हम फिर से ये ऐसे बंद कर लेंगे इस तरीके से। देखिए ये देखिए इस तरीके से यहाँ धागा मैंने कट कर दिया है। और अब ये इसको ऐसे पलट लेंगे। यहाँ पे ये धागा मेरा है, इसी से मैं सिलाई कर लूंगी। ये इतना और ये ऐसे करके हाफ, देखिए ये जो है ऐसे इसको पूरा हम सिल लेंगे। अब देखिए बिल्कुल नॉर्मल जैसे भी आप सिलाई कर सकती हैं इसको कर लीजिए इस तरीके से। पूरा ये इतना और ये नीचे ऐसे, ये देखिए ये पूरा मैंने सिल लिया। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। और अब इसकी डोरी बना लेते हैं। डोरी बनाने के लिए देखिए इस तरह से सबसे पहले हम 5 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसको पहले वाले में ऐसे जोड़ दीजिए इस तरीके से। अब 1, 2 और 3 चेन लेंगे और ये देखिए इस तरह से धागा करके 1, 2, 3 और ये 4 चार बार धागा लेके क्रोशिया से इस तरह से सभी को निकाल लेंगे
और इस तरह से ये देखिए बंद गया। फिर से एक दो तीन चेन लेंगे और इसमें एक बार फिर से ऐसे फंसा देंगे। तो ये देखिए एक पेटल बन गया इसका। ये इसी तरीके से फिर से एक दो तीन और फिर इसमें देखिए एक दो तीन और ये चार, सभी को निकाल लेंगे ये और ऐसे। फिर से एक दो तीन चेन लेंगे और यहां ये इस तरह से दो और बना लेंगे। ये देखिए ये इसका नीचे का फ्लावर मैंने बना लिया है इस तरीके से। और अब हम डोरी बना लेंगे। तो इसी तरह से ये चेन लेते हुए ये देखिए ऐसे सिंगल धागे से ही चेन लेते हुए इसकी डोरी भी बना लेंगे। ये देखिए ये इतना मैंने बना के यहाँ पे ऊन कट कर लिया है। अब इसमें यहां से आप इसको देखिए ये हाफ हाफ है, यहां से इसको हम इस तरह से अंदर इसमें डाल के दूसरे साइड का भी यहां से फिर वही पांच चेन लेके आप इस तरह से दूसरा भी दूसरी तरफ का भी ये फूल बना लीजिए। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि ये जरूर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, ये बूटी बेबी बूटी पसंद आया है, तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग, तब तक के लिए बाय।